भगवानपुर क्षेत्र के सरथेड़ी गांव में विवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई है। वही मौके पर पहुंचे विवाहित के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर विवाहित की हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि जिले के कुटेसरा गांव निवासी जाहिर अहमद की पुत्री गुलबहार का विवाह 3 साल पहले सलमान पुत्र मन्नान के साथ हुआ था। मृतिका के परिजन का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल पक्ष गुलबहार पर दहेज का दबाव बनाने लगा। जब तक सब कुछ परिजन समझ पाते, इससे पहले ही विवाहिता गुलबहार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी थी। मेरी बहन सरहेड़ी भी आई थी जी, 3 साल करीब शादी को बोली है, और इनका कुछ मामला लेकर आपस में मतलब मनमुटाव चल रहा था, ठीक है जी। और जैसा ही मनमुटाव चल रहा था, कल उसने मतलब 2 दिन पहले मेरे फ़ोन किया, जिस दिन जहर दिया इन्होंने, कहले भाई मुझे ले जा। तो मैंने गाड़ी करी, गाड़ी करने के जैसा ही मैं चालू हुआ वहाँ से, तो उसके बाद ही 20 मिनट बाद पता चला, फ़ोन आया इनका, कहले भाई जहर खा लिया, ठीक है जी। पता चला फिर कि जहर दे दिया, उसके दांत भी सारे टूट रहे, और उसमें 5 आदमी थे, एक ताबाद जफरुल्ला बेड़पुर, उसका लड़का था सागर, उसकी लड़की बहुत ही सागर की, और मन्नान था, और मन्नान का लड़का था 25-26 साल की लड़की थी, जो उनका ससुराल था वह गुलबहार उनका नाम है, उनके पति सलमान थे। हॉस्पिटल में गए, विनय विशाल हॉस्पिटल है, वहाँ पर इसके जहर खाने की सूचना थी। उसके जब वहाँ से मेमो जारी हुआ तो तब पता चला कि इसकी मृत्यु हो गई। आज जहर उन्होंने उसमें मेमो में ये लिखा है कि जहर खाने से मृत्यु है। बाकी हम चूँकि 3 साल ही शादी को लगभग हुए हैं, तो इसमें मजिस्ट्रेट द्वारा इसमें PM किया जाता है, तो इसलिए मैंने भी इसमें जो पंचायतनामा भरा है उसमें मैंने भी आग्रह किया है CMO साहब से कि इसका पैनल के द्वारा, डॉक्टरों के पैनल के द्वारा इसका पोस्टमार्टम कराया जाए और वीडियोग्राफी भी कराई जाए।